हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है एचपी बोस धर्मशाला द्वारा। अब आपके एग्ज़ाम के लिए केवल 10 दिन बच गए हैं। तो अगर आप एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपी जीबीटी डीएलएड एंट्रेंस 2022 के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार सेक्शंस होंगी, 25-25 क्वेश्चंस की। तो हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के ही होंगे। तो 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे वो, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि दिए गए वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है उसमें बोला कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द का विकल्प चयन करना है। तो जो धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है उसे आप अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो है इसमें बोला गया कि जिसे गिरना असंभव हो, तो जिसे गिरना असंभव हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने चुनना है। तो एक जिसे गिनना असंभव हो उसे अनगिनत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं आपके अनियमित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको ये रिविजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि जिसकी उपमा ना की जा सके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोलेगा कि जिसमें सामर्थ्य ना हो, तो जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलेगा कि आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमने चयन करना है। तो आदि से अनंत तक आपका आद्योपंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोलेगा कि आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित क्या कहलाता है, ये कहलाती है आपके आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इंद्रियों से संबंधित जो होते हैं उसे ऐन्द्रिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि जो कहा गया है, तो जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने प्रयुक्त करना है। तो जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया घृणा किया जाने योग्य, तो घृणा किए जाने योग्य क्या कहलाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयुक्त करना है। तो घृणा के किए जाने योग्य यानी कि घृण्य, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्षमा किए जाने योग्य, तो क्षमा किए जाने योग्य कहलाता है आपका क्षम्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्षमा किए जाने योग्य यानी कि क्षम्य, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया कि गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा आपका दत्तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र आपका दत्तक कहलाता है। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमने इस्तेमाल करना है, प्रयुक्त करना है। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे आप निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स इस मास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पंचानन में आपका बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो आपके गौण होते हैं, तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है।
तो बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं फ्रेंड्स? बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वो आपके गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है। तो पंचानन में आपका बहुव्रीहि समास है। उसी तरह रसोई घर में कौन सा समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रसोई घर में जो आपका समास है वो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? इस समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास कौन सा होते हैं? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो आपका गौण होता है। तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास है। उसी तरह अगला प्रश्न है, लोकनायक में कौन सा समास है? तो लोकनायक में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह पुरुष में आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कर्मधारय समास के बारे में हम बात करते हैं कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स इसमें जो होता है कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। तो लौह पुरुष में आपका कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मुँह तोड़ में कौन सा समास है? तो मुँह तोड़ में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो आपका गौण होता है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युनयन में कौन सा समास है? तो मृत्युनयन में आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तो कृषि प्रधान में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो आपका प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तो कृषि प्रधान में आपका तत्पुरुष समास है। उसी तरह अगला प्रश्न है, दूध रोटी में कौन सा समास है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दूध रोटी में आपका कौन सा समास है? तो दूध रोटी में आपका द्वंद समास है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द्वंद समास के बारे में हम बात करते हैं, तो द्वंद समास में क्या होता है? इस समास में जो दोनों ही पद होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। जैसे दूध रोटी में आपका द्वंद समास है, तो दूध रोटी क्या हो जाएगा? दूध और रोटी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दूध रोटी में आपका द्वंद समास है। अगला प्रश्न है, भूदान में कौन सा समास है? तो भूदान में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देश सेवा में कौन सा समास होगा? तो देश सेवा में आपका तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दिनकर में कौन सा समास है? तो दिनकर में भी आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि शरणागत में कौन सा समास है? तो शरणागत में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी इसको बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वह आपका गौण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो घोटक जो होता है वो आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है नीरद जो है वो आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सागर, रत्नाकर और जल्दी जो है वो आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची नहीं है चंद्रचूड़ जो है वो आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी गणपति, करीवर वदन और विनायक जो है वो आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी दिवाकर, तरणी और विश्वानस जो है वो आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, आपको एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है महाश्वेता जो है वो आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कमला, इंदिरा और पद्मा जो है वो आपके लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका मरकट जो है वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अभ्र, वारिद और जीमूत जो हैं वो आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इंदिरा जो है
वो आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी बामा, कामिनी और महिला जो है वो आपकी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीलाभ जो है वो आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी शून्य, अंबर और अंतरिक्ष जो है वो आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि घोटक का तत्वक शब्द क्या है, तो घोटक का तत्वक शब्द क्या होता है, ये आपका घोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं कि तत्वक शब्द कौन से होते हैं, तो तत्वक शब्द होते हैं आपके संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदियों से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप से प्रचलित हैं, उन्हें तत्वक शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृतिक, पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्वक शब्द कहते हैं। तो घोटे का तत्वक शब्द आपका घोड़ा होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि यज्ञ तत्सम शब्द का तत्वक रूप क्या होगा, तो यज्ञ का जो यज्ञ तत्सम शब्द है उसका तत्वक रूप आपका यज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो तत्सम शब्द के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तत्सम शब्द होते हैं हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सांस का तत्सम रूप क्या होगा, तो सांस का जो तत्सम रूप होगा वो आपका श्वास होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उल्लू का तत्वक रूप क्या होगा, तो उल्लू का तत्वक रूप आपका उल्लू होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भगिनी का तत्वक रूप क्या होगा, तो भगिनी का जो तत्वक रूप होगा वो आपका बहिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण का तत्व रूप क्या होगा, तो लवण का जो तत्व रूप होगा वो आपका नॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खांसी का तत्व शब्द क्या होगा, तो खांसी का जो तत्व शब्द होगा वो आपका कास होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्ष शब्द किस तत्व का तत्सम रूप है, तो पक्ष शब्द जो है वो किस तत्व का तत्सम रूप है, वो आपका पंख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शाटिका शब्द का तत्व है, तो शाटिका का जो तत्व शब्द होगा वो आपका साड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह बादल का तत्सम शब्द क्या होगा, तो घन जो होगा वो आपका तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स एक बार हम तत्सम शब्द और तत्व शब्द के बारे में बात कर लेते हैं, तो पता होगा आपको तत्सम शब्द कौन से होते हैं, हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जो तत्व शब्द होते हैं वो होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो चाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप से प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्व शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कुछ मुहावरे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया, पहला मुहावरा है, अकल का दुश्मन, तो अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति, और अन्न जल उठना यानी कि स्थान विशेष पर रहने का संयोग ना होना, तो अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ होता है स्थान विशेष पर रहने का संयोग ना होना। अगला है, अपना राग अलापना, तो अपना राग अलापना यानी कि अपने स्वार्थों की बातें ही करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना राग अलापना यानी कि अपने स्वार्थ की बातें ही करना। अगला है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। और आँख चुराना जो है मुहावरे का अर्थ होगा सामने ना आना, कतराना। अगला जो मुहावरा है इसमें बोलो कि आँख नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये होगा आपका लज्जित होना। और आँखें ठंडी होना इस मुहावरे का अर्थ होगा आपका अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलना। अगला जो है, आंसू पोछना जो होगा इस मुहावरे का अर्थ आपका होगा सांत्वना देना। और ईश्वर को प्यारा होना मर जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, ईश्वर को प्यारा होना मर जाना। उसी तरह उंगली पर नाचना, तो उंगली पर जो नाचना मुहावरे का अर्थ है वो आपका किसी के इशारे पर चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जले पर नमक छिड़कना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, तो जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। अगला जो मुहावरा है इसमें बोला गया कठपुतली होना, तो कठपुतली होना मुहावरे का अर्थ है आपका पूर्णता किसी के बस में होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सिर पर कफन बांधना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहावरा है फ्रेंड्स, सिर पर कफन बांधना मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला प्रश्न है, कमर टूटना, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है भारी आपत्ति का आना, बहुत नुकसान होना, ये किसका अर्थ है कमर टूटना मुहावरे का।
अगला प्रश्न है कलई खुलना यानी कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है आपका भेद खुल जाना, ऑप्शन भेद खुल जाना जो है आपका कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। अगला है कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा आपका शांति मिलना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना यानी कि शांति मिलना। अगला प्रश्न है पंगा गंगा नहाना, गंगा नहाना जो मुहावरा है इसका अर्थ है आपका बड़ा कार्य पूर्ण करना, कृतार्थ होना। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने मुहावरे का अर्थ होता है बीती बातों को अनावश्यक दोहराना, ऑप्शन बीती बातों को अनावश्यक दोहराना गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आज हमने हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको HP GVT DLED एंट्रांस 2022 में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप JVT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।